हे गाइस, अगर आप ऐसा कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जो कि एंड्रॉयड ओरियो के साथ में रन कर रहा है या फिर फ्यूचर में उसको ओरियो की अपडेट मिलने वाली है, तो आज के इस वीडियो को आप देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नए स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड ओरियो के साथ में लॉन्च हो रहे हैं या फिर लॉन्च हो चुके हैं, उन सभी में आपको पहले से ही GPT का सपोर्ट मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्मार्टफोन ब्रांड चाहे तो आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ओरियो अपडेट के साथ में GPT का सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों, GPT से मेरा मतलब है गूगल के प्रोजेक्ट रेबल से। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक बेड न्यूज़ है। अभी रिसेंटली वन प्लस और नोकिया ने अपने स्मार्टफोन्स में ओरियो की अपडेट दी है, जबकि ये जो दोनों ही ब्रांड्स हैं वो ओरियो की अपडेट तो दे रहे हैं लेकिन साथ में गूगल के प्रोजेक्ट रेबल का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और हाल ही में सैमसंग ने भी अपने गैलेक्सी S8 और S8 Plus को ओरियो की अपडेट दी है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन्स को ओरियो अपडेट के साथ में प्रोजेक्ट ट्रैवल का सपोर्ट नहीं मिला है। जिसका मतलब है कि सैमसंग के अदर जो भी स्मार्टफोन्स हैं, जब उनके लिए भी ओरियो की अपडेट आएगी तो सैमसंग वहाँ पर भी गूगल के प्रोजेक्ट ट्रैवल का सपोर्ट नहीं देगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन स्मार्टफोन्स में गूगल के प्रोजेक्ट ट्रैवल का सपोर्ट आता है, उन स्मार्टफोन्स की जो अपडेट्स होने वाली है फ्यूचर में, वो सभी अपडेट्स अदर डिवाइसेस के मुकाबले काफ़ी फास्ट होने वाली है। आपने देखा होगा कि जो एंड्रॉयड की अपडेट्स है वो काफ़ी स्लो होती है। आप देखेंगे कि जब गूगल को नया एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च कर देता है तो उसके 6 या 8 महीने के बाद में जाके उसकी अपडेट हमें मिल पाती है। और इसके अलावा जो स्मार्टफोन प्रोजेक्ट ट्रैवल के साथ में आएंगे उनके अपडेट्स काफ़ी लंबे समय तक भी आने वाली हैं। आपने देखा होगा कि जो एंड्रॉयड की अपडेट्स हैं वो आपको 2 साल तक मिलती है, उसके बाद में अपडेट्स आना आपके लिए बंद हो जाती है। जबकि अगर बात करें एप्पल के आईफोन्स की, तो वहाँ पर अपडेट्स काफ़ी फास्ट भी होती है, काफ़ी लंबे समय तक भी आती है। तो गूगल चाहता है कि उनके जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं वहाँ पर भी लंबे समय तक और फास्ट अपडेट्स मिले, इसीलिए गूगल लेके आया अपना गूगल प्रोजेक्ट ट्रैवल, जो कि आपको एंड्रॉयड ओरियो के साथ में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूंगी, इन स्मार्टफोन्स की जो अपडेट है वो काफ़ी फास्ट होने वाली है, और इसी के साथ इनको काफ़ी लंबे समय तक अपडेट्स मिलेगी, बिल्कुल एप्पल के आईफोन्स की तरह। और जिन स्मार्टफोन्स को ओरियो अपडेट के साथ में प्रोजेक्ट ट्रैवल का सपोर्ट मिल रहा है, उनकी भी अपडेट्स फ्यूचर में काफ़ी फास्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं सैमसंग, वन प्लस और नोकिया की जो हरकत, इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, खासकर सैमसंग से। मैं सोच रहा था कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स को ओरियो अपडेट के साथ में प्रोजेक्ट ट्रैवल का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर एक बड़ी ही चिंदी हरकत की है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन गूगल के प्रोजेक्ट ट्रैवल को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप की मदद से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करने के लिए आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ओरियो रन कर रहा होना चाहिए। और अगर आप गूगल के प्रोजेक्ट ट्रैवल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, इसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और किसी भी तरह के और कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्द ही मिलते हैं।